हेलो दोस्त, मैं ओम शुक्ला। आज आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि यूपी के हर एग्जामों में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले भी यूपी के एग्जामों में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, और भी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं यूपी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 122, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन में देखिए, आपके दिया है ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, श्रावस्ती में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ललितपुर में। कहाँ पे पाया जाता है? ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? हमारा क्वेश्चन है, देखिए विकल्प में क्या दिया है। पहला दिया है तांबे को बॉक्साइट से अलग करने में, दूसरा दिया है बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने में, तीसरा दिया है इस्पात उद्योग में निस्सरण व ताप सह हेतु, अगला दिया है बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने हेतु। तो इसका आपका आंसर यही सही है, बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने हेतु। तो इस क्वेश्चन का डी पार्ट आंसर है आपका। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? विकल्प दिया है, पहला हमारा शारदा राम गंगा नदी क्षेत्र, दूसरा दिया बी पार्ट गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, सी पार्ट दिया है गोमती शारदा नदी क्षेत्र, और डी पार्ट दिया है शारदा घाघरा नदी क्षेत्र। इसका आंसर आपका होगा शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र जो है वहां सोना पाया जाता है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? क्वेश्चन हमारा, राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया है बांदा में, बरेली में, मिर्जापुर में और मुरादाबाद में। तो ये मिर्जापुर में प्राप्त होता है। कहाँ पे? मिर्जापुर में प्राप्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? विकल्प में दिया है हेमेटाइट, पहला दिया हेमेटाइट, दूसरा दिया है मैग्नेटाइट, और सी पार्ट दिया है ए और बी दोनों दिया है। तो आपका यही आंसर सही है, ए और बी दोनों, हेमेटाइट भी पाया जाता है और मैग्नेटाइट भी पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया है ए पार्ट जालौन, दूसरा दिया है हमीरपुर, तीसरा दिया है सी पार्ट बांदा, और चौथा दिया है ललितपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका सी पार्ट आंसर सही है, बांदा में हीरा निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128, उत्तर प्रदेश में ताबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? क्वेश्चन हमारा, ताबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? अब देखिए, पहला दिया है सिंगरौली मिर्जापुर, बी पार्ट दिया है कजराहट मिर्जापुर, और सी पार्ट दिया है काजीगढ़ मिर्जापुर, और चौथा दिया है सोनराई ललितपुर। तो ये जो आपका क्षेत्र है सोनराई और ललितपुर वाला, यहाँ पे ताबा अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारा, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? पहला दिया है हमीरपुर ए पार्ट, दूसरा दिया है मिर्जापुर, सी पार्ट दिया है बांदा, और चौथा दिया ललितपुर। तो ये हमीरपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे? हमीरपुर क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। अब विकल्प देखिए, आपका दिया है 1952 में, 1995 में, 2001 में और 2005 में। तो आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन का सी पार्ट आंसर सही है, 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। किस सन में? 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो पहला है आपका तांबा और ग्रेफाइट, दूसरा है लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट, सी पार्ट दिया है रॉक
फास्फेट एवं डोलोमाइट, और चौथा दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट है ये ऑप्शन सही है आपका। लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट जो है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। चलिए अगला देखते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में 132 में, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ललितपुर में, दूसरा दिया है झांसी में, सी पार्ट दिया है चुनार में, और डी पार्ट दिया है चुर्क में। तो इसका आंसर आपका चुनार सही है। चुनार में ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। कहाँ पे? चुनार में बनाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन में देखिए आप दिया है बादा, ए पार्ट में बादा, बी ललितपुर, सी सोनभद्र, और डी पार्ट दिया हमीरपुर। तो वन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है आपका? बी पार्ट, ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। कहाँ पे? ललितपुर में किया गया है। ठीक है, देखिए ये बेल्ट जो आपका बादा, सोनभद्र, हमीरपुर, यहीं पे अधिकतर जो है खनिज पाए जाते हैं आपके। चलिए अगला देखते हैं, सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है, क्वेश्चन है आपका सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। पहला दिया है आपका सोनभद्र, ए पार्ट, दूसरा दिया है बादा, सी पार्ट दिया है मिर्जापुर, और डी पार्ट हमीरपुर एवं झांसी। तो ये जो हमीरपुर एवं झांसी है ये क्षेत्र सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? क्वेश्चन हमारा, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? ए पार्ट है आपका झांसी, बी पार्ट है ललितपुर, सी पार्ट है मिर्जापुर, और सिंगरौली। तो यहाँ पे जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पे एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन कुछ, चलिए 136 देखते हैं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, और ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए क्योंकि ये यूपी के अधिकतर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, यूपी के नहीं और भी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला है अमेरिका के, बी पार्ट है जापान के, सी पार्ट है पूर्व सोवियत संघ के, और डी पार्ट जो आपका दिया है जर्मनी के। तो यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ वाला जो है ऑप्शन आपका सही है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए अगला देखते हैं, 137 हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन हमारा, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन में देखते हैं मेरठ में, और बी पार्ट है हापुड़ में, सी पार्ट है सहारनपुर में, और डी पार्ट है अलीगढ़ में। तो जो अलीगढ़ है आपका, अलीगढ़ में ही कहाँ? अलीगढ़ में ही हरदुआ गंज ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया। कहाँ पे? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन आपका 138 विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए ए पार्ट दिया है प्रथम, बी पार्ट दिया है नौवां, सी पार्ट दिया है तृतीय, और डी पार्ट आपका दिया चतुर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर नौवां सही रहेगा। कैसा कैसा स्थान है? नौवां स्थान है। चलिए अगला देखते हैं, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बाध परियोजना में, एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर, इसको देखते हैं, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थापित किया गया है? देखिए ध्यान से पढ़िए, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपका दिया है शारदा नहर, धसनार नहर, घग्गर नहर, बेतवा नहर। तो ये जो शारदा नहर है यहीं पे खातिमा शक्ति केंद्र का केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां पर? शारदा नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बाध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? देखिए जो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना है इसमें उत्तर प्रदेश के सिवा और कौन सा राज्य शामिल है? ये है आपका क्वेश्चन। विकल्प में देखते हैं, राजस्थान पहला दिया, दूसरा दिया हरियाणा, सी पार्ट आपका दिया है बिहार, और डी पार्ट दिया मध्य प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रदेश है हमारा पड़ोसी है उत्तर प्रदेश का, तो यही है आपका। ठीक है, तो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बाध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य जो है वो शामिल है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
तो देखिए पहला दिया है झांसी बेतवा ए पार्ट, दूसरा दिया है सोनभद्र पिपरी। तो ये जो सोनभद्र पिपरी आपका है यही इसमें सही है, आपका सोनभद्र पिपरी वाला स्थान यही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र पिपरी में स्थित है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं 142। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल एक देश भी आ गया है आपका, तो ये है गंडक परियोजना। कौन सा? गंडक परियोजना, जो ए पार्ट आपका है गंडक परियोजना, यही सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं? तो गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सबको पता है नरौरा में। कहाँ पे? नरौरा में ही उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, कहाँ पे? नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी? बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का विकल्प देखते हैं, पहला है हरदुआगंज, दूसरा है रोजा, सी पार्ट है प्रतापपुर और डी पार्ट है परीक्षा। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही है बी पार्ट, रोजा, जो रोजा रोजा वाला स्थान है यहीं पे शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 145। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? आंसर देते हैं 1986 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1998 में, 1999 ईस्वी में। तो जो 1998 ईस्वी है ये आपका सही है, 1998 में ही उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? चलिए विकल्प देखते हैं, पहला है 1982 ईस्वी में, बी पार्ट है 1983 ईस्वी में, सी पार्ट है 1986 ईस्वी में, डी पार्ट है आपका 1987 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो 1983 ईस्वी दिया आपका ये पार्ट सही है, आपका बी पार्ट आंसर सही है, 1983 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? ध्यान से सुनिए, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? पहला आपका दिया ऑप्शन बरेली, बी पार्ट दिया गाजियाबाद, सी पार्ट दिया गौतम बुद्ध नगर और डी पार्ट दिया है आपका अंबेडकर नगर। तो यहाँ पे जो बरेली वाला ऑप्शन है आपका सही है, बरेली में ही आंवला ताप विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर? बरेली में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? चलिए विकल्प देखते हैं, तो पहला दिया है 1959 ईस्वी में, दूसरा दिया 1969 ईस्वी में, सी पार्ट दिया 1998 ईस्वी में और डी पार्ट दिया 1983 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट सही है, क्वेश्चन में 1959 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। तो ये रहे आज के उत्तर प्रदेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और पसंद आते हैं तो अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, और अगर आपको कहीं डाउट है तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।